कोरबा के गांव कालरम में एक किसान की लगभग 20 एकड़ खड़ी फसल आग की भेंट चढ़ गई। आग लगने से आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी का कारण बिजली की तारों में स्पार्किंग को माना जा रहा है। आपको बता दें कि कालरम गांव में किसान भूपेंद्र राणा के खेतों में अचानक आग लग गई। खेतों में धुआं उठता देख आसपास काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते खेतों में आग की लपटें उठने लगी और आग ने गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। खेतों में आग लगी देख आसपास के ग्रामीण भारी संख्या में अपने ट्रैक्टर व हैरो मशीन के साथ मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों व ग्रामीणों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक भूपेंद्र राणा की 20 एकड़ में खड़ी गेहूं जलकर राख हो चुकी थी। किसान भूपेंद्र राणा ने सरकार की नीतियों को आगजनी की घटना का जिम्मेदार ठहराया है। किसान का आरोप है कि सरकार पोर्टल के माध्यम से धीरे धीरे किसानों की फसलों को खरीद रही है। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से पक चुकी है जिस कारण से आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार को सभी किसानों की फसल एक साथ खरीदनी चाहिए। किसान ने फसल में आग लगने का कारण बिजली की तारों में हुई स्पार्किंग को बताया है। किसानों का कहना है कि उसके खेतों के ऊपर से 33,000 केवी की तारें गुजर रही हैं, जिसमें स्पार्किंग हुई और 10 मिनट के अंदर 20 एकड़ फसल स्वाहा हो गई। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। भूपेंद्र जी, कैसे क्या घटना हुई खेतों में? घटना ये पीछे से आग लगती हुई है ये जी, जी। और ये सारे आपके सामने ही है, ये हमारी सारी फसल जल गई। तो कितने एकड़ में गेहूँ खरीदी हैं? ये लगभग 20 एकड़ के करीब है जी। जी, काफ़ी मोटा नुकसान आपके सामने ही है। तो कटी हुई जो फसल थी वो भी जली है? वो भी जली है जी, कटी हुई भी जल गई। जो पुले बंधे हुए रखे थे जी, क्योंकि आग उसमें भी बढ़ गई, वो भी सारा जला हुआ है। तो वजह कुछ पता चली है कैसे हुई? नहीं, वजह का तो अभी देखो जी क्या कारण है, स्पार्किंग है या कोई और कारण है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.